क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन है 1D में, ठीक है ध्यान से सुनो, इलास्टिक कोलिजन है 1D में, दो बॉल्स हैं, इम्पॉर्टेंट है एक बात इसमें, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, जबकि मैंने जो अभी थ्योरी बनाई थी इलास्टिक कोलिजन इन 2D की उसमें बॉल्स का मास सेम नहीं लिया था, इसमें कह रहे हैं बॉल्स का मास सेम है, बस ये सेम क्वेश्चन है बाकी। अगर बॉल्स का मास सेम है, एक बॉल इधर चली गई आफ्टर कोलिजन, एक इधर चली गई, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा वन थीटा टू, प्रूव करो कि ये दोनों बॉल सेपरेट होंगी हमेशा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है 2D में, इलास्टिक इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक 2D में, और मास आइडेंटिकल है, तो दो बॉल्स हमेशा 90 डिग्री पे ही सेपरेट होंगी। ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आते हैं, तो रिजल्ट भूलना नहीं है, ठीक है यहां तक? तो रिजल्ट समझ में आया, क्या रिजल्ट है, कितने एंगल पर सेपरेट होंगे, 90। तो कब, इलास्टिक कोलिजन इन 2D और आइडेंटिकल बॉल्स हैं तब, हमेशा नहीं, M1 M2 में नहीं, आइडेंटिकल बॉल्स में। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले इस बॉल का मोमेंटम MV1 है और थीटा 1 है, इसका कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे, MV1 cos थीटा 1, MV1 sin थीटा 1 जैसे अभी किया था, ऐसे ही MV2 है, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, MV2 cos थीटा 2, एक क्या होगा, MV2 sin थीटा 2, बात खत्म हो जाती है। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ ताकि आपका टाइम ना खराब हो, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। मोमेंटम कंजर्वेशन x के अलोंग आपको आता है, टक्कर से पहले मोमेंटम क्या है, mu, इसका क्या है, 0, x एक्सिस के अलोंग इसका क्या है, mv1 cos थीटा 1, mv2 cos थीटा 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1। बस फर्क यह इस बार mm आपस में कैंसल हो गया और इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब y एक्सिस में इसका मोमेंटम 0 है, इसका भी 0 है, और 0 प्लस 0 इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस दिस, ये देखो सेम इक्वेशन अभी बना के दिखाई थी, m और m फिर कैंसिल हो गया, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो इसको एक तरफ ले गए, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। और थर्ड इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन सिखाई थी, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी टू स्क्वायर, हाफ एम कैंसिल, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 1 है v1 cos ऑफ थीटा 1 v2 into cos ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू u, इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 है v1 into sin ऑफ थीटा 1 माइनस v2 into sin ऑफ थीटा 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन्हें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर लें, जब आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, राइट। तो अगर हम ऐसा करें तो ये स्टेप किया हुआ है, चेक करो, ये रहा, ये आ जाएगा। फिर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये सारी टर्म ओपन करके आपके पास ये पूरी टर्म आ गई। अब इसमें से सिंप्लीफाई करेंगे और v1 cos square theta 1, v1 sin square theta 1 में से v1 square common, तो cos square theta 1 sin square theta 1 क्या देगा, 1, ठीक है। इसमें से common निकाल के v1 square बच जाएगा, v2 square cos square theta 2, v2 square sin square theta 2 में से v2 square common, cos square sin square क्या देगा, 1, तो क्या बचेगा, v1 square plus v2 square, तो मतलब इसमें से और उसमें से common आ गया, इसमें से common आ गया। अब बची आपके पास ये दो terms, इन दो टर्म में से माइनस 2v1v2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। मैं सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन से मैंने आपको ये रिजल्ट दिया हुआ है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके इक्वल है, यू स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल कर दो, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर किसके इक्वल है, यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर और v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर आपस में माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, 0। अगर ये 0 बचेगा तो ये टर्म 0 से कैंसिल होकर कट जाएगा। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, मेडिकल लोग भी देख लें, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी साइन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो हाँ उल्टा कर लो, माइनस कॉमन निकाल लो, कोई बात नहीं, तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0, और ऐसा तब होगा जब ये एंगल क्या होगा, π/2। आपको ये प्रूफ तो मुझे पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ये रिजल्ट बहुत काम आएगा, तो ये फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री जरूर करो रिजल्ट्स की,
कि दो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन 2D में अगर आइडेंटिकल मास है तो दो बॉल्स की सेपरेशन हमेशा 90 डिग्री पे होगी। ये प्रूफ तो मुझे पता नहीं, पर ये अगर आ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन तो आता ही है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके अपने आप आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। दो बॉल्स की सेपरेशन 90 डिग्री है, आपको ये बहुत क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक बॉल 30 डिग्री पे चली गई तो बोलो दूसरी बॉल कितने पे सेपरेट होगी, 60 पे, अगर मासेस आइडेंटिकल हैं तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।